जंगल में लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? मेरा नाम राजेश है, मैं मेरे भाई को ढूंढने आया हूँ। यहाँ? हाँ, कल लकड़ी काटने आया था, वहाँ पास ही नहीं आया। यहाँ कहाँ ढूंढोगे? पहाड़ में किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। ऐसा मत बोलो। तुम पहाड़ में ढूंढने जा रहे हो, थोड़ा संभल के जाना। ठीक है, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। यम्मी, तुम्हारा घर कहाँ पे है? थोड़ी दूर में है, और तुम इस तरफ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर कुछ तकलीफ हुआ तो हमारे घर पे आ जाना। ठीक है। हाँ, और एक बात बोलना तो भूल ही गई। क्या? पहाड़ में एक दानव आदमी रहता है और उसका नाम है उबायो। थोड़ा संभल के जाना। ठीक है। सही में लगता है भैया को मिलकर उसी ने कुछ किया होगा। हाँ, हो सकता है, इसलिए तुम संभल के जाना। ठीक है। तसी, हाँ? खाना कब तक होगा? थोड़ा समय है। क्यों? बहुत जोरों से भूख लगी है। कुमार है ना काम करने के लिए, अब क्यों इतना काम करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुमार के भरोसे बैठा रहूंगा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तुम्हारी बातों से तो यही समझ में आ रहा है। आपकी ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं तो मुझे शादी क्यों किया था? पहले के बात भूल गए? मतलब याद कीजिए, आपने मुझे क्या कहा था? क्या कहा था? भूलने का नाटक मत करो। मैंने भूलने का कौन सा नाटक किया? वाह, अच्छा नाटक करते हो आप। मैंने? हाँ आप। मुझे मिलकर क्या कहा था आपने? क्या कहा था? वाह, सॉरी है। नहीं नहीं, तुम्हें अभी बताना पड़ेगा। आप मुझे मजबूर मत कीजिए। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मुझे जवाब चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। ये गुस्से दिलाने वाली कौन सी बात है, मुझे बताओ। मुझे खाना बनाने दो। तुम खाना पकाती रहो और मुझे बताती रहो। आप बहुत पकाते हो। क्या बोला? मैं पकाता हूँ? हाँ आप। तुमने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लगने की क्या बात है? क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनूंगा मैं कभी सोचा ही नहीं था। और कितना दिन? अभी तो बहुत चाजा हो गया, कम से कम अभी माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर मैं तुमको माफ कर दिया तो गांव वालों को पेड़ काटने का मौका मिल जाएगा।
और घर में कौन कौन है? एक भाई और माँ। माँ शायद घर में बहुत परेशान होंगी, उसका बहुत याद आ रहा है। चलो आज बहुत काम हो गया, खाना खाते हैं। तुम्हारी बातों से तो यही समझ में आ रहा है। आपके ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं तो मुझे शादी क्यों किया था? पहले के बात भूल गए? मतलब? मतलब याद कीजिए आपने मुझे क्या कहा था। क्या कहा था? भूलने का नाटक मत करो। मैंने भूलने का कौन सा नाटक किया? वाह अच्छा नाटक करते हो आप। मैंने? हाँ आप। मुझे मिलकर क्या कहा था आपने? क्या कहा था? वाह सॉरी। नहीं नहीं तुम्हें अभी बताना पड़ेगा। अब मुझे मजबूर मत कीजिए। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मुझे जवाब चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। ये गुस्से दिलाने वाली कौन सी बात है, मुझे बताओ। मुझे खाना बनाने दो। तुम खाना पकाती रहो और मुझे बताती रहो। आप बहुत पकाते हो। क्या बोला? मैं पकाता हूं? हाँ आप। तुमने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तेरे पिताजी की तरह उसे भी कुछ हो गया तो? ऐसी बातें सोचकर अपनी मन खराब मत करो माँ। तेरा पिताजी गुजर जाने के बाद तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? भैया को मैं ढूंढ के लाऊंगा, भैया को कुछ नहीं होगा, तो मेरे पर विश्वास करो और चिंता मत करो।
कहाँ जा रहे हो? मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूँ पहाड़ों में। पहाड़ पर? नहीं नहीं मत जा। तुम इतना चिंता मत करो माँ, मैं भाई को लेकर ही वापस आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। घर पे जाके वो भी काम करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी जो काम है वहाँ पे, गाय को दाना देना, ये सब, मुर्गी को दाना देना, सब करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लूंगा, लेकिन बहुत भूख लगा है मुझे। हाँ खाना अभी आ जाएगा, फिलहाल अभी काम कर लो। ठीक है मैं करता हूँ। काम कर लो। ठीक है कर लूंगा। हाँ तू झाड़ में छुप जा। क्यों? छुप जा। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं मेरे भाई को ढूंढने आया हूँ। भाई? हाँ मेरा बड़ा भाई, वो 4 दिन हो गया वो घर वापस ही नहीं आया। फिर पहाड़ में क्यों ढूंढ रहे हो? वो पहाड़ में ही लकड़ी काटने आया था, उसके बाद घर नहीं आया वो। अरे ये तो मेरा भाई राजेश जैसा लग रहा है। मेरा नाम वायु है, यहाँ सब मुझे डरते हैं। क्यों? मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नहीं मैं क्यों डरूंगा? अगर मैं तुम्हें काट डालू तो? ओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम मुझे काटोगे क्यों? बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने, हिम्मत है तुम में। दुश्मन से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और वो मेरे पास है। अच्छा लगा तुम्हारी बात सुनकर। मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारा भाई का नाम क्या है? कुमार। कुमार? कुमार। हाँ बाहर आ जाओ। भैया राजेश तू यहाँ? तू यहाँ? भैया तुम घर क्यों वापस नहीं आया? माँ कितने परेशान हो रही थी। ये मेरा चौथा भाई राजेश है। अब भी नहीं जा सकता तेरा भाई। भैया ये क्या बोल रहा है? हाँ ठीक बोल रहा है, मुझे कुछ दिन और यहाँ रुकना है। तू भी नहीं जा सकता। क्यों? ये वायु का नियम है। ये कौन सा नियम है? तुमने बिना इजाजत इस जंगल में घुसा है। भैया ये क्या बोल रहा है? हाँ ठीक ही बोल रहा है। तुम लोग रात को एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? अरे नहीं मतलब नहीं। हम लोग भाग जाएंगे बोल के डर गए क्या? हम लोग नहीं भागेंगे। वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
आप ऐसे इन दोनों के ऊपर शक कर रहा है? हम पे विश्वास रखो। विश्वास और तुम लोगों के ऊपर। मैं खाना लगाते हूँ। ठीक है, तुम खाना लगाओ, ऐसे भी बहुत मैं थका हुआ हूँ। ठीक है। कुमार, तुमको जो काम दिया है वो पूरा करो। ठीक है, अभी हमारा भाई आ गया, हम दोनों मिलकर जल्दी काम खत्म करेंगे। एकदम जल्दी करना। कुमार, राजेश, आज तुम लोगों का सजा खत्म हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने पूरी ईमानदारी से काम निभाया, लेकिन एक बात जरूरी याद रखना, कभी भी जिंदा पेड़ मत काटना। कभी नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पेड़ रहेगा तो हम रहेंगे। अभी चलते हैं। ठीक है, क्या आता हूँ। ठीक, चलता हूँ। हाकर, तू कहाँ जाएगा? तूने यहाँ पे आकर पेड़ काटने की जरूरत की? मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। मुझे माफ करो। माफ? तुझे एक हफ्ते की सजा मिलेगा। मेरे घर पे रह के काम करना पड़ेगा। मेरा घर का आदमी लोग बहुत परेशान होगा, मुझे माफ कर दो। तुझे नहीं मिलेगा, एक हफ्ते की सजा मिलेगा। चल। ओए, क्या हुआ, जल्दी कर। ओए, क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहा है? बहुत थक गया हूँ और काम नहीं कर पाऊंगा। और काम नहीं कर पाएगा? तुझे मैं यहाँ पे मोफट का खिलाने के लिए आया हूँ। चल दूसरी काम पर चल। चल। अब कुमार को इस तरह सजा दे रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोली? उसका भी तो एक घर है, घर के लोग परेशान हो गए ना। देखो ताशी, मैं कुमार को यहाँ मारने के लिए नहीं लाया हूँ। फिर भी उसके घर के लोग परेशान हो गए ना। कितना दिन रहेगा वो हमारे साथ? मैंने तुमको बोला था ना, एक हफ्ता रहेगा। एक हफ्ता? छोड़ दीजिए ना ताशी, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी तो नींद आ रही है। अब दिन भर काम पे रहते हो, बात करने का मौका नहीं मिलते। अभी बताइए ना। मुझे नींद आ रहा है।
और घर में कौन कौन है? एक भाई और माँ। माँ शायद घर में बहुत परेशान होंगी, उसका बहुत याद आ रहा है।